और एक क्रांति और हुई है। हमने विकास तो किया, लेकिन विकास अकेले सरकार ने नहीं, जनता के साथ हमने मिलकर विकास करने का काम किया। जन भागीदारी से सुशासन देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। चाहे कोविड का मुकाबला करना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे जल संरक्षण का काम हो, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे नशा मुक्ति का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ये निरंतर मध्य प्रदेश में जनता के साथ मिलकर हमने चलाने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिन में, जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन जैसे अनेकों उपक्रम हमने किए हैं जिससे जनता को सुशासन मिले। और एक और नया प्रयोग हमने मध्य प्रदेश में किया है, सीएम जनसेवा मित्र बनाने का प्रयोग, पेशा मोबिलाइजर बनाने का प्रयोग। हमने प्रशासन और जनता के बीच में एक नई कड़ी खड़ी कर दी, सीएम जनसेवा मित्र, जन अभियान परिषद के मित्र और पेशा मोबिलाइजर। मैंने देखा लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के समय हमारे सीएम जनसेवा मित्रों ने पेशा मोबिलाइजर्स थे, लाडली बहना के आवेदन भरवाने में, ईकेवाईसी करवाने में, औपचारिकताएं पूरी करवाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जब हमने सीएम जनसेवा अभियान चलाया तब भी ये बच्चे दिन और रात प्रशासन के साथ भिड़े और 83 लाख लोगों को, हितग्राहियों को जो पात्र थे, नई नई योजनाओं से जोड़ने का काम किया। अब मेरा मन कहता है कि सीएम जनसेवा अभियान को और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे पास 4-5 पंचायतों में एक सीएम जनसेवा मित्र है, पेशा मोबिलाइजर पंचायत में एक है। अब हम तय कर रहे हैं कि हर 50 परिवार पर हम एक सीएम जनसेवा मित्र जैसे बच्चे को रखेंगे जो उन 50 परिवारों की चिंता करेगा। और चिंता करेगा मतलब कोई दिव्यांग है तो उसकी जांच कराएगा, कोई बीमार है उसको योजना का लाभ मिले, लाडली लक्ष्मी बेटी है तो वहां योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लाडली बहना के लाभ से कोई वंचित तो नहीं है, अगर राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा तो राशन भी दुकान से लाने का काम वो घर पे करके देगा। मैं समझता हूं कि 50 परिवार पे एक बेटा बेटी को अगर हम लगाएंगे तो 3 लाख से ज्यादा बच्चे इस काम में लगेंगे। ये सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन इनको जनता के बीच की कड़ी बना के जनता को सुविधाएं देने के काम में हम लगाएंगे और इन बच्चों को उसके बदले में हम मानदेय देने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा 1-8 साल जरूर इस काम में लगे, फिर दूसरा काम करे, दूसरे बच्चे आ जाएं। एक नई योजना हम मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करेंगे।